ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। एक डायरेक्ट कॉल अगर गई ना और पता चला कि नए स्टूडेंट की रैगिंग हो रही है तो बेटा खाली गाना नहीं पूरा कॉन्सर्ट गवाएंगे आपसे। कहेंगे चलें टीम का नाम क्या है? पता नहीं। कल से मैं सिवाय अम्मा के किसी को नाश्ता खाना पानी नहीं दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे बनती है यहाँ सबकी सेटिंग। अरे फौजिया कहाँ जा रही हो? बैठो ना, बात तो पूरी होने दो। जी नहीं, आप लोग सब सुन लीजिए, आज से किचन का बायकॉट है। बस अंडा फ्राई करना आता है क्या? अंडा फ्राई करना आता है आप? क्यों? वो अम्मी ने नाश्ता बनाने से मना कर दिया। शुरू हो गए शादी के बाद वाले मसाइल। तुम्हें किसने बताया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हर चीज पता है, यहाँ तक के सारी 10 शर्तें मुझे बाय हार्ट याद है, जुबानी याद है मुझे। सुनाओ, पहली शर्त, जोया भाभी MBA करेंगी शादी के बाद। भाई तुमने तो जोया कमाल कर दिया, वाह। कौन सा मंत्र पढ़ के भूखा है मुझे भी बताओ, क्योंकि 25 साल में मैं अपने शौहर को इस तरह उंगलियों पर नहीं नचा सकी। वाह अम्मी प्लीज। अरे तुम तो अपने काम पे ध्यान दो, इसके बाद तुम्हें पराठे भी तो बनाने सीखने हैं ना। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं बेटा तुम रुको, मैं जा रही हूँ, क्योंकि ये मंजर मुझसे मजीद देखा नहीं जाएगा। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर बाहर चलते हैं नाश्ता करने के लिए। बाहर क्यों? क्योंकि आज घर में नाश्ता नहीं है, फौजिया भाभी ने बायकॉट कर दिया है। इस तरह की बातें तो नहीं किया करें बच्चे से। अरे बच्चे को घर की पूरी सेटिंग पता है। मुबारक हो ज़ेबुन्निसा, आओ गले लग जाओ। क्या हुआ? तुम गले तो लगो, फिर बताऊंगी ना। भाभी बता भी दें क्या खुशखबरी है। तुम्हारी स्कीम कामयाब हो गई है। क्या मतलब? मेरा बेटा इस वक्त किचन में खड़ा हुआ अपनी बीवी के लिए नाश्ता बना रहा है। क्या बिलाल, क्यों टोक रही हो बच्चे को? जो सुनेगा वो हंसेगा, बात ही ऐसी है। ऐसे भाभी अब सब चलता है, सेटिंग बनानी पड़ती है, इसलिए आदमी भी अब किचन में काम कर लेते हैं। अच्छा, आपको तो हमने कभी नहीं देखा किचन में। भाभी आप हर चीज का इतना बड़ा इशू क्यों बना देती हैं? क्योंकि तुमने मेरे बेटे को गलत जगह फंसाया, इसलिए। मैंने कोई गन पॉइंट पे रिश्ता नहीं कराया था, अगर आपको नहीं समझ आ रहा था आप मना कर देती। हाय हाय, देखो तो सही, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। लामिया, मैंने कौन सी चोरी की है? आपको तो बगैर सोचे समझे जो दिल में आए आप अनशन बोलती जाती हैं। देखो ज़ेबुन्निसा, तुम्हें तो ना अल्लाह पूछेगा, जो तुमने मेरे साथ किया ना अच्छा नहीं है। मैं तो अपना हर फैसला अल्लाह पे डाल देती हूँ, और वो बेहतर फैसला करने वाला है। आपने सुना? अब तो वो बद्दुआओं पे उतर आई हैं। अरे ज़ेबी तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम ठंडी रहो। मैं कैसे ठंडी रहूं? आपने सुना नहीं वो क्या कह के गई हैं? अरे फौजिया भाभी की बातों को सीरियस मत लिया करो। अच्छा हम चलते हैं, हम आ रहे। ओके अरे अब रोना तो बंद करो, तुमने खुद ही तो बोर्चे खाने का बायकॉट किया था, अब उनको अपने नाश्ते का कुछ तो बंदोबस्त करना था ना। तो जैन क्यों बना रहा था? जोया भी तो बना सकती थी ना। अरे फौजिया, जैन बनाए या जोया बनाए बात तो एक ही है ना। अरे भाई फुरकानुद्दीन बनाए और फौजिया बनाए तो क्या बात एक हो जाएगी? बताइए होगी एक क्या बात, बोले। अरे ये बताओ तुमने जोया को कुछ कहा तो नहीं? अरे मैं किसी को क्या कहूंगी, मेरी इस घर में कोई सुनता ही कब है। अम्मा अरे भाभी ये क्या तरीका है, सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और आप है कि जली कटी सुना के आ गई। तुम बिल्कुल चुप रहो, जाओ अपने कमरे में, चलो कहिए इसको, जाओ। अम्मा जान ये रिश्ता करा के ना मैं इतना पछता रही हूँ, अब जो कुछ भी बुरा होगा ना भाभी मेरे ही खाते में डालेंगे। ज़ेबुन्निसा, देख रही हो क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, तुम अपनी बात बाद में करना, जाओ। अरे भाई क्या हो गया है तुम दोनों? जोया नाश्ता तो कर लो। खुद करो तुम, मुझे नहीं खाना। सुबह सुबह क्या मूड खराब करके बैठ गई? ज़ैन तुम्हारी वजह से ना घर वाले मुझसे नाराज होते हैं,
तुम पहले ही उन्हें बता देते तो अभी ये सब ना हो रहा होता। जोया, एक दो दिन की तो बात है, उसके बाद अम्मी भी ठीक हो जाएंगी। मैं क्यों बर्दाश्त करूं एक दो दिन? मेरे लिए जैन, ये मसला तुम्हारी वजह से खड़ा हुआ है, अब तुम ही इसे हल करोगे। ठीक है, हल कर लेंगे, मैं ऑफिस आके बात कर लूंगा। नहीं, कहीं नहीं जा रहे आज तुम, और ना मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। आज रहकर इस मसले को हल करो, मुझे नहीं पता। जोया मेरी जान, मुझे ऑफिस जाने दो, मैं वापस आके बात कर लूंगा ना। ठीक है, जाओ तुम ऑफिस, मैं खुद इस मसले को हल कर लेती हूँ। कहाँ जा रही हो? घर वालों को बताने कि शादी से पहले तुमने शर्त नामे पे साइन किया था जिसके मुताबिक मैं किचन का कोई काम नहीं करूंगी। जोया, 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 रुको। देख रहे, ये आपकी बहन। मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। कोई बात करने की जरूरत नहीं। ज़ैन खामोश रहो, मुझे एक बात करनी है आप लोगों से। कोई बात करनी? क्या मसला है? चल चल चल, सॉरी। लड़ने आई थी मुझसे। मैं बता रही हूँ, ये मुझसे लड़ने आई थी। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ माँ, इस घर में मेरी कोई इज्जत तो है नहीं। ये कल की आई हुई लड़की अब मुझसे झगड़ा भी करेगी। बात क्यों नहीं करनी मुझे? क्या बात करती है? कि शादी से पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके मुताबिक तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। हाँ, यही बात करती। कुछ अंदाजा है कि उसके बाद हमारा घर वालों के सामने क्या इमेज होता? और जो मेरा इमेज खराब किया है तुमने, वो घर वालों को अभी से लग रहा है कि बहू के आते ही बेटा जोरों का गुलाम बन गया है। तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारी पढ़ाई तो नहीं रुक रही ना? पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मुझे इन्हीं लोगों के साथ जिंदगी गुजारनी है जिनकी नजरों में तुम अभी से मुझे गिरा रहे हो। मैं कहां से गिरा रहा हूं? क्या अजीब बातें कर रही हो तुम? मैं अजीब बातें कर रही हूं? तुम अपने आप को मेरी जगह रख के सोचोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा। यही बात मैं भी तुम्हें कह सकता हूँ, खुद को मेरी जगह रख के सोचो तो तुम्हें अंदाजा होगा। वहां अम्मी नाराज है, यहां तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। ये तुम्हारा अपना खड़ा किया हुआ मसला है, जब संभाल नहीं सकते तो वादा क्यों किया था? परेशान अब होना शुरू हो गया। वजह? आपके सामने आज टेंशन की वजह से ऑफिस भी नहीं गया। देखो बेटा, दो बातें बता रहा हूं, अगर इनको समझ लिया ना तो कभी परेशान नहीं होगी। पहली बात, औरत औरत होती है, चाहे वो माँ हो या बीवी हो। और दूसरी बात, औरत जब गुस्से में हो ना तो उसके सामने ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए। मैं और बीवी दोनों गुस्से में, क्या करूं? हाँ में हाँ मिलाओ। किसकी? दोनों की। क्या बात कर रहे हैं आप, दोनों की? जो समझा रहा हूं ना बेटा, अगर वो समझ गए तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी। बीवी को बोलो आप ठीक कह रही हैं, माँ को बोलो आप ठीक कह रही हैं, बस बहस किसी से नहीं करनी। जोया, तुम ठीक कह रही थी, मुझसे गलती हो गई। बड़ी जल्दी ख्याल आया। मुझे घर वालों को बता देना चाहिए था। तो अब बता दो। नहीं, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं? आप अगर बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन तुम ठीक कह रही थी, मुझे पहले बता देना चाहिए था। मे आई कम इन? अभी नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं। आजो आजो, कहीं जरूरत नहीं कहीं जाने की, आओ। मुझे अंदर क्यों बुला लिया? पढ़ने आया हूँ। हम बात कर रहे हैं। बाद में बात कर लेना, अभी जाओ यहाँ से। निकालो, क्या होमवर्क मिला? तुम क्या देख रहे हो, निकालो।
ये इक्वेशन दे रही हूँ, ये सॉल्व करो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे दूंगी, ठीक है? अच्छा जोया भाभी, ये कौन सी रस्म होती है जिसमें दुल्हन से खीर पकवाई जाती है? क्यों? वो कुछ नहीं, ये बस ममानी आपसे खीर पकवाना चाहती थी ना, लेकिन वो रस्म पूरी नहीं हुई तो वो थोड़ी नाराज है। लेकिन मजे की बात ये, वो आप पे नाराज नहीं, वो तो जैन भाई पे नाराज है, सारी गलती उनकी। और तुम्हें ये बातें किसने बताई हैं? मुझे इस घर की एक एक बात पता है। अच्छा बस, ज्यादा पटे-पटे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, काम करो, जो टेस्ट दिया वो कंप्लीट करो। ममानी दिल की बुरी नहीं है, वो होती तो मैं आपको सबसे पहले बता देता। मैंने तुम्हें मना किया है ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन बातों में, चुप करके अपना टेस्ट कंप्लीट करो। आप ये तो नहीं समझ रही कि अगर आप मुझसे कुछ कह देंगी तो मैं भागकर फौजिया मुमानी को बता दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है, उनके और मेरे ताल्लुकात इतने भी अच्छे नहीं हैं, और मेरे कुछ असूल हैं कि इधर की बात उधर कभी नहीं करता। एक काम करते हैं, टेस्ट वेस्ट को ना गोली मारते हैं। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप, मुमानी बहुत अच्छी हैं? बहुत तो खैर नहीं, लेकिन अच्छी जरूर है। अब आप ही सोचें, वो कितने टाइम से सबके लिए तीन वक्त का खाना बना रही हैं, किसी ने थैंक यू भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा घर संभाला हुआ है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आज वैसे मुझे भी डांट पड़ गई उनसे। वो इस उम्र में आकर थोड़े बहुत नफ्सियाती मसाइल तो हो ही जाते हैं। चुप करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। शाबाश, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद पढ़ा है गूगल पे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ नफ्सियाती मसाइल भी बढ़ जाते हैं। कितना बोलती हूँ, नहीं टेस्ट करो पूरा। अच्छा तो तुम्हें एहसास हो गया कि तुम्हारी गलती है? जी अबू, अम्मी ठीक है। अम्मी तो हमेशा ही ठीक कहती हैं, सुनता कौन है अम्मी की इस घर में? मैं सुनता तो हूँ। बस कर दो तुम बस, ये अपनी ताबेदारी की अदाकारी ना कहीं और जाके करना। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि उस वक्त तुम्हारी बीवी मुझसे लड़ने के लिए आई थी ना? कब? जब मैं कमरे में अम्मा जान के साथ बैठी थी और तुम उसे चुप करा रहे थे। नहीं अम्मी, वो लड़ने नहीं आई थी। झूठ मत बोलो जैन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लड़ने क्यों आएगी आपसे? क्योंकि वो भी मुझे दूसरे घर वालों की तरह खाई पी रोटी समझती है। हेलो, खाना लग गया है। अरे जबरदस्त, किसने बनाया? बनाएगा कौन, शाहिद बाहर से लेके आए। चलो ये भी ठीक है। यहाँ क्या वही मसला डिस्कस हो रहा है? हाँ तो तुम मसले का हल क्यों नहीं निकाल लेती हो? जाओ जाके जोया से कहो कि वो किचन संभाल ले। मैं क्यों बोलूँ? हाँ जाहिर है तुम क्यों कहोगी भाई, क्योंकि जो बोले वो कुंडी खोले, और तुम तो जोया के सामने गंदी होने ही नहीं चाहती हो, इसलिए तुम उसे कभी नहीं कहोगी कि जाके किचन संभालो। खाना ठंडा हो रहा है, जिसको खाना है वो बाहर आ जाए। ओके ओके जिया, गुस्सा थूक दो भाई। मेरी तरफ से किचन का बॉयकॉट है और रहेगा। देख लिया ना आपने? वाह भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी है। अम्मा आप तो खाना निकाले ना। हाँ बस जैन और जोया को आ जाने दो, वो लोग तो आते रहेंगे, आप शुरू तो कीजिए। ये ले। अरे बेटा सब साथ खाएंगे, खाना कौन सा भागा जा रहा है? आ जाओ भाई आ जाओ, आज का खाना जेबुन निसा की तरफ से जैन और जोया की शादी की खुशी में। अच्छा ये बात आपने मुझे पहले तो नहीं बताई। तो अब तो बता दिया ना, सेटिंग भी तो बन गई ना। आपके लिए। ये तुमने मेरे लिए निकाला है? जी दादी, आपके लिए भी निकाल दूं? हाँ बेटा जरूर। बस थोड़ा ही देना, ज्यादा नहीं, बस बस। अरे जोया बेटा बस छोड़ दो, बाकी लोग खुद ले लेंगे। जीती रहो बेटा। अब वो आपके लिए भी निकाल दूं? नहीं मैं ले लूंगा, आप बैठो।
Zoya, thank you. इसके लिए I really appreciate your gesture. वो अच्छा, वो बिल्लू को जरा ज्यादा बातें मत बताना, वो बात इधर से उधर कर देता. जैन, मैं छोटी बच्ची नहीं हूं. बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा, तुमने लैंप तो जलाया हुआ, मैं रूम की लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ. कोई लाइट ऑफ नहीं होगी. सिर्फ लैंप की लाइट में पड़ती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है. अरे लेकिन रूम की लाइट में मुझे नींद नहीं आती. वो तुम्हारा मसला है. जोया, जैन, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि वो शर्तनामा एक बार पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बंजनू बनने का शौक है, अब भुगतो. उस शर्तनामे में ये साफ साफ लिखा है कि जब मैं पढ़ रही होंगी तो कमरे की लाइट ऑफ नहीं होगी. ये भी लिखा है? जी, पढ़ लें आप. ठीक है, मैं फिर चादर मुंह पे लेके सो जाता हूँ. जैन, जैन उठो, उठो जल्दी, तैयार हो, निकलना है हमें. क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है. रात को मेरे पढ़ने की वजह से लाइट्स ऑन रह गई थी. सो नहीं पाए होगे ना सही से, इसीलिए तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है. कोई बात नहीं. कैसे कोई बात नहीं, तुम्हें पढ़ना भी तो जरूरी था. तुम्हें भी पढ़ लेना चाहिए था. क्या? वही शर्तनामा जो तुमने पढ़े बगैर साइन कर दिया था और आज तुम्हारे सर का दर्द बन गया. गले का फंदा भी बन जाना तो कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही कंप्लेन करूंगा. मोहब्बत करना आसान है पर निभाना मुश्किल. अब मेरा निभाने का इम्तिहान शुरू हो गया. मैं निभाऊंगा. अम्मा नाश्ता कर ले. अम्मा क्या हुआ? तबीयत कुछ खराब हो रही है. क्या महसूस हो रहा है आपको? कुछ भारी भारी पन लग रहा है. अच्छा चलें, आप मेरे साथ बाहर चलें, थोड़ा फ्रेश हवा खाएं, आप बेहतर फील करेंगे. चलें, आ जाओ. अम्मा, अम्मा, अम्मा जी, अम्मा, शाहिद, फौजी भाभी, फुरकान भाई, जल्दी आएं, अम्मा को कुछ हो गया है. ताना बाना मोहब्बत का बनते रहे. सॉरी, गलती हो गई.
मैं एक चीज सोच रहा था, क्यों ना हम लोग एक कुक रख लें। और अगर तुमने ना कहा तो तुम्हें खुद घर वालों को ले जाकर ये कहना होगा कि जोया तो काम करना चाहती है, बस मैं नहीं चाहता मेरी बीवी काम करे। मेरी बात माने तो जोया भाभी को उनकी अम्मी के घर छोड़ दें, 2 साल तक सब सुकून में रहेंगे। ताना बाना मोहब्बत का बनते रहे।